वेलकम टू माय चैनल दैट्स कालागलम। मैं आपका अंश। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेटाफिल के ऑप्टिमल हाइड्रेशन सीरम की, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है। ये जो प्रोडक्ट है इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में डाले हुए मुझे सिर्फ 10 दिन हुए हैं, और 10 दिन की मुझे जरूरत नहीं थी एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। जब मैंने इसे जस्ट पहली बार ही यूज किया था, ये प्रोडक्ट मुझे इतना अमेजिंग लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे ये एक सीरम है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी। ये आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी में मिलता है, तो इसीलिए इसे मैं सीरम की तरह नहीं बल्कि मॉइस्चराइजर की तरह यूज करती हूँ। इसे मैं विटामिन सी के साथ पेयर कर रही हूँ आजकल मॉर्निंग में। इसकी अच्छी बात ये है, जो इसका यूनिक फीचर है, कि अगर आपकी स्किन पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, इवन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव भी हो, तब भी आप इस प्रोडक्ट को अपने स्किन केयर रूटीन में डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, या आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, ये पैराबिन फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, और इसके साथ साथ इन 5 साइंस में ये आपके लिए काम करेगा। यानी कि अगर आपको स्किन बैरियर्स, अगर आपकी स्किन बैरियर्स वीक हैं, आपको ड्राइनेस, इरिटेशन, रफनेस, या फिर जिसकी स्किन बहुत टाइट लगती है ना, इन सब की प्रॉब्लम है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड स्किन किसे नहीं पसंद। क्योंकि अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी ना इंटरनली और आउटर सरफेस पे, तो आपको कभी भी फाइन लाइंस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है, तो आपको जो ओपन पोर्स की जो अपीयरेंस होती है ना, कि आप अपने ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रख के। तो ये एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रॉन है, ड्राई है, ऑयली है, मतलब ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, इंक्लूडिंग सीवियरली सेंसिटिव स्किन। इसे लगाने के बाद मैंने अपनी स्किन में एक बहुत ही अमेजिंग सा हाइड्रेटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व किया। तो जैसे ही आप अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो एक बहुत ही कूलिंग सा फील आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, और इसे अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्किन है वो इमीडिएटली सूथिंग लगती है। मैं इसे पर्सनली मॉर्निंग में अप्लाई करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद मैं कील्स का टोनर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं द डर्माको का एसेंस यूज करती हूँ, स्नेल मुसिन वाला हाइड्रेटिंग सीरम, एसेंस नहीं है वो। उसके बाद मैं विटामिन सी सीरम यूज करती हूँ, और उसके बाद मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर की तरह, और उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ। यहाँ पे आप इसकी इंग्रीडियंट लिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक्वा डाला गया है, इसमें ग्लिसरीन है सेकेंड नंबर पे, और इसमें बहुत सारे हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स यूज किए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे सीड ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसमें आपको हेलोरॉनिक एसिड भी मिल रहा है, इसमें पैंथेनॉल है, और भी बहुत सारे अमेजिंग इंग्रीडियंट्स इसमें डाले गए हैं, जो इसकी फॉर्मुलेशन को यूनिक बना देते हैं। और ये सारे के सारे इंग्रीडियंट का इफेक्ट आप अपनी स्किन पे देख पाएंगे जब आप इसे पहली ही बार यूज करेंगे। इसके रिजल्ट्स आपको विद इन 2 or 3 एप्लीकेशन में ऑब्जर्व करने मिल जाएंगे। तो बहुत ही एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट है, कॉम्पैक्ट से पैकेजिंग में आपको मिलता है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाली साइड में आता है, बट वर्थ द इन्वेस्टमेंट है। इस प्रोडक्ट को आप, इस मॉइस्चराइजर को आप अपने पीलिंग सॉल्यूशन के इमीडिएट बाद भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने अपनी स्किन को पील किया केमिकली, फेस वॉश करने के तुरंत बाद आप इस नेल मुसिन वाला कोई भी एसेंस या सीरम अप्लाई कीजिए, उसके बाद ये मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए थोड़ी सी ज्यादा जनरस सी क्वांटिटी में, और सो जाइए, एंड दैट्स ऑल। तो ये जो एक प्रोडक्ट है, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन को भी बहुत अच्छे से सूट करेगा। तो गाइज, मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको इसे हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। सी यू, बाय बाय।